सोमवार मुंबई में भारी बारिश ने पूरे शहर में आफत मचा दी है। सड़कें गायब होकर नदी और नालों में बदल चुके हैं। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से उपनगरीय ट्रेन सेवाएं और हवाई यातायात बाधित हुआ है। यहां बारिश और जल जमाव की स्थिति यह हो गई है कि लोगों की जान बचाने के लिए NDRF के साथ सेना तक उतर आई है। आपको बता दें कि मुंबई में भारी बारिश की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुई है। इसी बीच शॉर्ट सर्किट के कारण एक बुजुर्ग महिला की जलने से मौत हो गई है। लोगों को जलभराव वाली सड़कों में गुजरना पड़ रहा है और यातायात में परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के कुछ इलाकों में सुबह 7 बजे तक केवल 6 घंटों में 300 मिमी से अधिक बारिश हुई, जिससे सड़क और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। पूरे दिन शहर में भारी बारिश हुई, जिससे निवासियों की परेशानी और भी बढ़ गई और स्कूल को बंद करना पड़ा। मौसम विभाग की माने तो मुंबई में अभी बारिश से राहत के कोई असर नजर नहीं आ रहे। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे भारी बारिश की आशंका जताई गई है। बता दें कि भारी बारिश की वजह से हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोकल ट्रेनें घंटों तक पटरियों पर रुकी रही। मुंबई जाने वाली कई बाहरी ट्रेनें भी फंसी रही। दिन में सेवाएं बहाल करने के बाद पटरियों पर जल भराव के कारण सोमवार रात को मध्य रेलवे की हार्बर लाइन सेवाएं फिर से स्थगित कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि भारी बारिश के बाद कम दृश्यता के कारण मुंबई हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई, जिसके कारण रनवे पर 1 घंटे से अधिक समय तक का परिचालन बंद रहा। लगभग 50 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि सुबह 11 बजे तक रद्द की गई 50 उड़ानों में से 42 इंडिगो और 6 एयर इंडिया द्वारा संचालित की गई।